24 न्यूज़ ने कोरोना वायरस के मुतासरा मरीजों को खसूसी किट्स के बगैर चेक करने के फुटेज हासिल कर ली है। मुतासरा मरीजों को चेक करते हुए अजीज भट्टी शहीद अस्पताल का डॉक्टर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गया है, जहां बगैर हिफाजती किट्स के कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों को चेक किया जा रहा था। और इसी दौरान मरीजों को चेक करते हुए अजीज भट्टी शहीद अस्पताल का एक डॉक्टर भी कोरोना वायरस का शिकार हुआ है। किट्स मुहैया नहीं की गई हैं अभी तक हुकूमत की जानिब से, और जिसकी वजह से डॉक्टर्स बगैर हिफाजती किट्स के डॉक्टर्स मरीजों को चेक करने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर उमर फारूक आपसे अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल से मुखातिब हूँ। यहाँ पे कोरोना के काफ़ी ज़्यादा मरीज़ बाहर हो चुके हैं और हमें कोई बाकायदा सहूलियात मैसर नहीं की जा रही। सिलसिले में आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ मास्क के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन्हें। कोरोना वायरस का शिकार हो गया है, जहां बगैर हिफाजती किट्स के कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों को चेक किया जा रहा था। और इसी दौरान मरीजों को चेक करते हुए अजीज भट्टी शहीद अस्पताल का एक डॉक्टर भी कोरोना वायरस का शिकार हुआ है। किट्स मुहैया नहीं की गई हैं अभी तक हुकूमत की जानिब से, और जिसकी वजह से डॉक्टर्स बगैर हिफाजती किट्स के डॉक्टर्स मरीजों को चेक करने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर उमर फारूक आपसे अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल से मुखातिब हूँ। यहाँ पे कोरोना के काफ़ी ज़्यादा मरीज़ बाहर हो चुके हैं और हमें कोई बाकायदा सहूलियात मैसर नहीं की जा रही। सिलसिले में आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ मास्क के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन्हें। कोरोना वायरस का शिकार हो गया है, जहां बगैर हिफाजती किट्स के कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों को चेक किया जा रहा था। और इसी दौरान मरीजों को चेक करते हुए अजीज भट्टी शहीद अस्पताल का एक डॉक्टर भी कोरोना वायरस का शिकार हुआ है। किट्स मुहैया नहीं की गई हैं अभी तक हुकूमत की जानिब से, और जिसकी वजह से डॉक्टर्स बगैर हिफाजती किट्स के डॉक्टर्स मरीजों को चेक करने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर उमर फारूक आपसे अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल से मुखातिब हूँ। यहाँ पे कोरोना के काफ़ी ज़्यादा मरीज़ बाहर हो चुके हैं और हमें कोई बाकायदा सहूलियात मैसर नहीं की जा रही। सिलसिले में आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ मास्क के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन्हें। कोरोना वायरस का शिकार हो गया है, जहां बगैर हिफाजती किट्स के कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों को चेक किया जा रहा था। और इसी दौरान मरीजों को चेक करते हुए अजीज भट्टी शहीद अस्पताल का एक डॉक्टर भी कोरोना वायरस का शिकार हुआ है। किट्स मुहैया नहीं की गई हैं अभी तक हुकूमत की जानिब से, और जिसकी वजह से डॉक्टर्स बगैर हिफाजती किट्स के डॉक्टर्स मरीजों को चेक करने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर उमर फारूक आपसे अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल से मुखातिब हूँ। यहाँ पे कोरोना के काफ़ी ज़्यादा मरीज़ बाहर हो चुके हैं और हमें कोई बाकायदा सहूलियात मैसर नहीं की जा रही। सिलसिले में आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ मास्क के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन्हें। कोरोना वायरस का शिकार हो गया है, जहां बगैर हिफाजती किट्स के कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों को चेक किया जा रहा था। और इसी दौरान मरीजों को चेक करते हुए अजीज भट्टी शहीद अस्पताल का एक डॉक्टर भी कोरोना वायरस का शिकार हुआ है। किट्स मुहैया नहीं की गई हैं अभी तक हुकूमत की जानिब से, और जिसकी वजह से डॉक्टर्स बगैर हिफाजती किट्स के डॉक्टर्स मरीजों को चेक करने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर उमर फारूक आपसे अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल से मुखातिब हूँ। यहाँ पे कोरोना के काफ़ी ज़्यादा मरीज़ बाहर हो चुके हैं और हमें कोई बाकायदा सहूलियात मैसर नहीं की जा रही। सिलसिले में आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ मास्क के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन्हें। कोरोना वायरस का शिकार हो गया है, जहां बगैर हिफाजती किट्स के कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों को चेक किया जा रहा था। और इसी दौरान मरीजों को चेक करते हुए अजीज भट्टी शहीद अस्पताल का एक डॉक्टर भी कोरोना वायरस का शिकार हुआ है। किट्स मुहैया नहीं की गई हैं अभी तक हुकूमत की जानिब से, और जिसकी वजह से डॉक्टर्स बगैर हिफाजती किट्स के डॉक्टर्स मरीजों को चेक करने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर उमर फारूक आपसे अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल से मुखातिब हूँ। यहाँ पे कोरोना के काफ़ी ज़्यादा मरीज़ बाहर हो चुके हैं और हमें कोई बाकायदा सहूलियात मैसर नहीं की जा रही। सिलसिले में आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ मास्क के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन्हें।